जालौर में एक मकान में बार बार चोरी की वारदात हो रही है। मकान मालिक जयपुर गया था, पीछे से चोरों ने सोने मकान से सोने चांदी के जेवर और 1,80,000 रुपए की चोरी कर ली। मामला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी का है। पीड़ित रमेश पुत्र मंगलराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मेरा मकान जालौर में सुंदेलाव तालाब के पास है। 7 मई को परिवार सहित जयपुर गया था। मकान के लॉक लगाकर पड़ोसी हीराराम पुत्र रत्नाराम को चाबी दे गया था। मकान की निगरानी के लिए हीराराम मेरे मकान में सोता था। 17 मई को जयपुर से लौटा तो हीराराम से चाबी लेकर मकान का लॉक खोला। अंदर देखा तो 2 कमरों के लॉक टूटे हुए थे। तिजोरी में रखी सोने की एक चेन, एक जोड़ी लौंग कंठी, माताजी का फूल, चांदी की अंगूठी व 1 जोड़ी पायल सहित 1,80,000 रुपए चोरी हो गए थे। हीराराम ने बताया कि 16 मई की रात वो रमेश के मकान में सो रहा था। रात 11 बजे रमेश के घर से फोन आया तो वो अपने घर चला गया था। इसी दौरान चोरी हो गई। रमेश ने बताया कि उसके मकान में पिछले 3 साल में तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है। 2022 में पहली बार चोरी हुई थी। चोर घर के आंगन से लोहे का सामान ले गए थे। दूसरी बार 2023 में चोरी हुई, इसमें ऑटो टैक्सी का इंजन ले गए थे। जालौर से संवाददाता ओखाराम राठौड़ की रिपोर्ट।